हेलो गाइस, फिर लौटा ही नागिन के आने वाले एपिसोड में। आप देखने वाले हैं कि पंचशील बाबा का यज्ञ खत्म हो गया है और उन्हें वो शक्तियां मिल गई है जो किसी भी इच्छाधारी नागिन को पहचान सकते हैं। और दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप क्या क्या नए ट्विस्ट देखने वाले हैं, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। और दोस्तों, आपसे मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मुझे बनाने में पूरे 2 घंटे का समय लगा, लेकिन आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में आपने देखा राज और रागिनी की सगाई हो रही होती है, तभी गुस्से में आकर नागरानी शिवानी महादेव के सामने तांडव करने लग जाती है और कहती है कि हे महादेव, मेरी भक्ति में अगर जरा सी भी शक्ति है तो आपको मुझे मेरा प्यार दिलाना होगा। उसके बाद वह राज और रागिनी की सगाई में पहुंच जाती है। और दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि पंचशील बाबा का महायज्ञ पूरा हो चुका है और उन्हें एक ऐसी शक्ति मिलती है जिससे वह पता लगाया जा सकता है कि कौन इच्छाधारी नागिन है। जी हाँ दोस्तों, पंचशील बाबा ये पता लगा लेंगे कि जो भी नागिन है, इच्छाधारी नागिन है, वह इस वक्त आनंद ठाकुर के घर में ही मौजूद है। और फिर पंचशील बाबा वहाँ से सीधा आनंद ठाकुर के घर पर आ जाते हैं। आनंद ठाकुर के घर पर आके वो बीन बजाने लगते हैं, जिसके बाद राज, प्रिया, नंदनी और रागिनी के सभी के स्किन कलर चेंज होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंचशील बाबा जब बीन बजाते हैं तो वो चारों अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और वो सभी के सामने अपने असली रूप में आने लगते हैं। राज, नंदनी और शिवानी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन रागिनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो अपने असली रूप में आ जाती है सभी के सामने। और सबसे बड़ा झटका देने वाली बात तो ये होगी कि तभी इसी वक्त आनंद ठाकुर रागिनी की सगाई तोड़ देता है। तभी पंचशील बाबा रागिनी को बीन बजाते हुए एक गुफा की तरफ लेके जाएंगे, जहां भाई अपने यज्ञ से उसे खत्म करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शिवानी के तांडव की वजह से भोलेनाथ ने उसकी मन्नत पूरी कर दी और उसका प्यार किसी और का होते हुए बचा लिया? तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि फिर लौट आई नागिन का प्रोमो आपको देखने मिले सबसे पहले।